कि मैम क्रॉप्स लाई हैं तो क्या लाई हैं और वो क्या हमें सिखाने वाली हैं, तो वीडियो क्यूरियोसिटी से आपका जो इनिशियल जो स्टेज होता है वो कवर हो जाता है कि नाउ व्हाट इज द थिंग यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग टू लर्न द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, राइट। अब नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि वन मोर मल्टीपल इंटेंशनल देयर ओवर हियर, स्पेशली आई गिव यू द पार्ट्स ऑफ प्लांट बिकॉज ऑफ दिस, द अदर मल्टीपल इंटेंशन इन दिस इज नेचर स्पेशीज। Have you heard about nature species multiple intelligence? अच्छा नेचर से आप क्या समझते हैं, what do you understand by nature? Nature प्रकृति, yes exactly। तो जैसे language special, logic special, bodily kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, music special बच्चे हैं वैसे ही होते हैं नेचर स्पेशल्स। नेचर स्पेशल्स वाले बच्चे होते हैं बहुत सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं, वो नेचर से जल्दी कनेक्ट होते हैं, तो आप उनको प्लांट्स ला के दिखा दो तो वो टच करेंगे, दैट टच जो उनके बॉडी से टच होगा वो स्टेम को ली वो मिट्टी का वो, तो वो जल्दी अंडरस्टैंड करेंगे। तो वॉट इज योर रोल एज अ टीचर इन ओविया टू एक्सप्लेन देम द पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो पार्ट्स ऑफ प्लांट को आप कैसे कर सकते हैं कि यू शुड गेट अ पॉट विद अ प्लांट दैट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसके साथ आपको क्या क्या लेके आना है, सारे प्लांट। अब इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, व्हाट इज इट कॉल्ड, साइंस टेस्ट, डू एंड लर्न, हैंड ऑन एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं। हमें निटिंग सिखाते थे पहले, हम क्रोशियो भी करते थे राइट, हमको बताते थे ये ऐसे कर लो ऐसे कर लो तो हो जाएगा, होता था हमसे जितनी बार करते थे उधर जाता था राइट, क्यों नहीं होता था, क्योंकि सिखा तो रहे हैं हाथ में सारी चीजें भी दे दी है, क्यों नहीं हो रहा था, क्यों वाई, एग्जैक्टली। कंप्यूटर है कितने उनको आता है, मेरे बेटे को बहुत छोटा था तब से कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता था, शायद मुझे आज तक भी ये सारे गैजेट्स इतने ज़्यादा समझ में नहीं आते, क्यों नहीं आते, बिकॉज आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ डूइंग दैट एंड ही इज इन कंटिन्यूस हैबिट ऑफ डूइंग दोज गैजेट्स राइट, सो दैट इज डू एंड लर्न एंड दैट इज द बेस्ट पॉलिसी टू ईच एंड एवरी मल्टीपल इंटेलिजेंस चाइल्ड राइट। तो अब हम क्या लिख कहेंगे, आप लोग स्प्राउट्स खाते होंगे ना घर पर राइट, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डू एंड लर्न, लाइक पार्ट्स ऑफ प्लांट सिखाना है हमें तो क्या करेंगे, मूंग ले आएंगे छोटे से, मूंग ले क्या के हम लोगों के रखे लेकर आएंगे रात भर पानी में राइट, दूसरे दिन उसको छोटे छोटे बॉल्स दे दो, कॉटन में डिप पानी में डिप करो कॉटन ऊपर भी और नीचे बीच में वो सीड्स रख दो और उनको वो एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, थ्री डेज में वो कैसे स्प्राउट बाहर आते वो खुद वो देखेंगे, वो कैसे देखेंगे, आई टेल यू माई एक्सपीरियंस, मैंने छोटा सा एक छोटा इंसिडेंट मेरा भी पैशनेट कुछ ज़्यादा ही थी, तो मैंने सोचा कि ये पार्ट्स ऑफ प्लांट ऐसे बोरिंग हो जाता है यार, वही चीज समझा दो वही स्टेम समझा दो वो रटवा दो, पाँच पाँच प्लांट्स हैं रटा दो उसी का एग्जाम्पल करवा दो, दैट्स वेरी बोरिंग, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग द स्प्राउट्स, मैं मूंग लेकर आई मैंने वो सब कर लिया। अब क्या बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बच्चों के लिए क्या होता है, व्हाट इज देयर इंटरेस्टिंग पार्ट इन दैट, जो कॉटन डिप करते हैं पानी में वो बहुत अच्छा लगता है उन्हें, पानी से टच होता है, यू नो दे लाइक टू प्ले इन वाटर राइट, तो वो पानी में प्ले करते हैं वो डिप करके रखते हैं और वो रखने के बाद वो जब पानी पोर करते हैं नेक्स्ट ईयर के सबसे पहला काम उनका क्या होगा, दे पोर द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉटल और ये इसमें नाम लिख दो कि बॉल में नहीं दिस इज पूजास बॉल दिस इज गरिमास बॉल दिस इज बबीतास बॉल राइट, तो वो नाम लिख दिया तो उसने क्या करेगा वो हमेशा आके उसी पॉट में पानी डालेगा, दो दिन डाल दिया तीन दिन डाल दिया फिर जो फोर्थ डे आएगा तो उसने स्प्राउट निकला होगा, तो ही इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड, यू आर क्लियर द कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये हम लोगों ने उसको समझा दिया कि ऐसे पौधा निकलता है, अब उसमें सॉइल कहाँ आया वो सब कहाँ गया, तो व्हाट यू विल डू यू नो, किडनी पिन दे दो एक एक बच्चे को
and get them to sow in the soil. घर पे जाके मिट्टी के अंदर डालो और डेली पानी डालो जैसे इसमें डालते थे. तो now they get an experience, a hand-on experience कि जैसे seed को हम soil में डालते हैं, soil में कुछ तो जाना जरूरी है. हम क्या डालेंगे? Seed. और seed को क्या चाहिए रहेगा? And understood. तो वो sunlight उनको मिलेगी और उस sunlight से वो grow होगा और grow होगा तो किसमें बन जाएगा वो? Plant. जिसकी कौन से parts होंगे? अब हमें बोलने की जरूरत है यू नॉट यूजिंग योर एनर्जीज. बच्चे खुद लेके आए. व्हाट इज द प्रोसीजर कॉल्ड? ये प्रोसीजर जो हमने किया हैंड ऑन एक्सपीरियंस का वो क्या था? नोन टू अननोन. मतलब नोन क्या था उनके लिए? पानी था, सिर्फ पानी और सनलाइट था और सीड हम उनको दे रहे थे हाथ में. तो उनके पास ये तीन चीजें नोन थी. अननोन क्या था कि वो ग्रो कैसे होता है और उसको क्या क्या चीजें चाहिए रहती है ग्रो होने के लिए, कि मुझे एवरीडे उसको खाना देना पड़ेगा, पानी पोर करना पड़ेगा ना. तो दैट इज द रोल ऑफ अ टीचर. अच्छा, नाउ लेसन प्लान जो हम लोग ने बनाया, लेसन प्लान में क्या है? हम लोग को सबसे पहले इनिशिएटिव व्हाट इज द कंटेंट यू टीचिंग एंड आफ्टर लर्निंग दैट कंटेंट व्हाट शुड दे लर्न, द लर्निंग आउटकम. इससे लर्निंग आउटकम क्या आया? यस. तो लेसन प्लान तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हम उसको लर्निंग आउटकम में कन्वर्ट नहीं करें. अच्छा, अब हम लोग ने चार पांच चीजें उस बच्चे को सिखा दिया, आप लोगों ने भी देख लिया, उसमें से सबको आ गया, मे बी इनसे कुछ समझ में नहीं आया है ना, क्योंकि ये शायद थोड़ी डाइवर्टेड थी, नहीं समझ में आया. अब मेरा टाइम तो ओवर हो गया. बट देन माई पैशन इज टू मेक हर टीच और लर्न, मेक हर लर्न दैट पार्ट्स ऑफ प्लांट. उसमें से सॉइल ये शायद भूल रही है बार बार, क्योंकि मैंने उसको पहले क्या करवा दिया था? पानी वाला, है ना. तो शी इज गेटिंग कन्फ्यूज है. तो मेरे सारे बच्चे तो सीख गए. वॉट इज माई इंटेंशन? आई एम अनसेटिस्फाइड बिकॉज शी इज नॉट लर्न द कंसेप्ट. तो वॉट इज माई रोल ओवर देयर? आई मेक अ फोन कॉल, घर पे फोन कॉल करूंगी मैं उनके पेरेंट को कि मैम आज हमने ये टॉपिक सिखाया था, आपके बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सिर्फ एक छोटा सा एक वो है कि उसको सॉइल क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मेरा एक काम करेंगे, प्लीज उसको सॉइल सम दिखा दीजिएगा या बता दीजिए, या यही एक्सपेरिमेंट आप घर पे वापस रिपीट करवा दीजिए. योर वर्क इज डन, द लर्निंग आउटकम इज अचीव, राइट. So this is the effectiveness of a lesson plan. Now I want to know all the topics what you have given for your lesson plan. You can say yours. कोई बात नहीं. सपोज आपको नहीं पता है कि ये अक्षर का है मेरे पास, का है